जैन समाज के खिलाफ कई सालों से मोर्चा खोले बैठे और हाल में कोरोना संक्रमण लाने का उसे दोषी बताने वाले अनूप मंडल के प्रमुख कर्ता धर्ता लोगों में भाजपा का एक प्रमुख जनप्रतिनिधि शामिल है। मारवाड़ के इस जनप्रतिनिधि का खुलासा अनूप मंडल द्वारा जैन समाज को मीडिया में करारा जवाब देने के लिए एक टीवी चैनल को फंडिंग कर उसका उपयोग लेने के संदर्भ में आयोजित वर्चुअल बैठक के सोशल मीडिया पर चल रहे ऑडियो रिकॉर्ड से हुआ है। इस वर्चुअल बैठक का संचालन कोई कैलाश नामक व्यक्ति कर रहा था। उसने इस जनप्रतिनिधि को कहा कि आपको इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए इमरजेंसी में वर्चुअल बैठक में शामिल कराया गया है। बैठक में इस जनप्रतिनिधि ने उस टीवी चैनल वाले से कैसे संपर्क हुआ, कैसे डील करनी है, इस पर चर्चा की। इस पर उन्होंने कहा कि महंगा है। उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि बड़ा काम है, भरोसा भी चाहिए, गारंटी भी चाहिए। उसने बीच में छोड़ दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। यह भी शंका जताई कि 2 CR 10 CR की बात होती है तब बिकने में कोई टाइम नहीं लगेगा। वर्चुअल मीटिंग में इस जनप्रतिनिधि से पूछा गया कि आप मारवाड़ में हैं या जा रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि वे जयपुर जा रहे हैं। कब आएंगे यह ऑडियो रिकॉर्डिंग में व्यवधान के कारण नहीं सुना जा सका। बैठक में जब कहा गया कि टीवी चैनल वाला आएगा तब सारी बातें होंगी, उसमें आपको भी आना पड़ेगा, तब इन जनप्रतिनिधि का कहना था कि बता देना, मैं समय निकाल कर आ जाऊंगा। बैठक में कैलाश सहित सभी जने इन जनप्रतिनिधि को बड़ा साहब कह के संबोधित कर रहे थे। उनसे कहा गया कि फंडिंग के लिए झोंपड़ी झोंपड़ी घूमना पड़ेगा। अनूप मंडल ने अपने क्षेत्रों को झोंपड़ी के हिसाब से बांट रखा है। कैलाश ने इन जनप्रतिनिधि से पूछा कि पहले दिल्ली में दिए गए धरने के समय ऐसे ही घूमा गया था, अब वापस वैसे ही घूमना है, आप चलेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन उनके जवाब को ऑडियो में व्यवधान के कारण नहीं सुना जा सका। इस बैठक में इन जनप्रतिनिधि के बैठक छोड़ने पर इनका पुराना नाम जो गराम लेते हुए इनका माइक बंद करने को कहा गया। भाजपा के यह प्रमुख जनप्रतिनिधि कुछ माह पूर्व उपचुनाव में एक वायरल हुए ऑडियो में फंस चुके हैं। अनूप मंडल की इस वर्चुअल बैठक का वायरल ऑडियो आप खुद ही सुन लें। इसलिए वो मांग रहा सपोर्ट, उसने कान सिंह जी को बात की है, वो अभी अपने को भी कान सिंह जी और उनका क्या रिलेशन है, क्या संपर्क है उनका? कोई रिलेशन नहीं है, वो बालोतरा में आए थे ना मुकुंद राम जी के यहाँ से, उस हिसाब से कान सिंह जी ने उनसे बात की है। वो भर सिंह जी ने भी बात की है उनसे, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि वो बीच में अपने को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या अपना प्रतिपाला हो जाएगा बड़े लेवल पे, बस ये की बात। तो उसको कहेंगे ना, वो तो बॉन्डिंग करेंगे ना, सब बॉन्डिंग बॉन्डिंग करना पड़ेगा। महंगा है वो भी, थोड़ा महंगा भी है। नहीं, कोई बात नहीं, महंगा है तो भी है, लेकिन वो सपोर्ट दे रहा है कम से कम, नहीं चाहिए ये तो क्या इसे भी ऊपर दे देंगे और कहीं बिक गया ऐसा चैनल वाला वो भी है जो अपने लिए मुश्किल ही हो गया, कहीं ना कहीं भरोसा तो करना ही पड़ेगा। प्रचार के उद्देश्य से बनिए, क्या कर रहे हैं उसकी उद्देश्य से, अपना कोई उद्देश्य नहीं है। प्रचार अच्छा हो अपनी छवि चली जाएगी, अनूप जी महाराज की छवि भी साफ चली जाएगी और काम भी चला जाएगा और बात भी बढ़िया चली जाएगी। अमृत भाई से बात हुई है, कान सिंह जी से, अमृत भाई प्यार है ज्ञापन करते हैं ये, तो अभी आपसे बात होनी थी इसलिए आपको ज्वाइन करवाया गया इमरजेंसी में। तो आप यहाँ आ रहे हैं कि जा रहे हैं, मतलब मारवाड़ में आ रहे हैं कि मारवाड़ से जा रहे हैं आप? जयपुर जा रहे हो, वापस रिटर्न नहीं, काम हो गए तो मैं कुछ टाइम निकाल के आ सकता हूँ। हम तो ये है कि अभी ताराराम जी मर साहब ने ये रखा है, अभी अभी सुझाव ये रखा है कि जिस तरीके से वो दिल्ली में अपना धरना दिया था ना,
सब है जो गाड़ी लेकर घूमे थे झुकड़ी झुकड़ी इस बात को अवगत करवाने के लिए और पैसे जमा करवाने के लिए, उसी संदर्भ में अभी भी जाना पड़ेगा, कल छोड़ के परसों या उससे आगे। तो आप साथ में होते हो तो बहुत बढ़िया काम रहेगा। तो ये जसन सिंह जी माइक बंद कर दो, राज सिंह जी सब दूसरा माइक बंद कर दो सभी। जसवंत सिंह जी कौन है? जसवंत जी, जसवंत दास वैष्णव भाई। बोलो बोलो। अपनी बात में दम होना चाहिए, मीडिया के सामने संसार को सत्य लगना चाहिए कि वास्तव में कहीं कहीं पाप चल रहा है, हमारे संसार में नुकसान हो रहा है। बात तो रखने, जो भी बात रखते हैं ना, उस बात में दम होना चाहिए। और मीडिया वालों को उनकी भी औलाद कैसी है अपने को वास्तव में, मैं और मौत साबित कर दो, कोई मीडिया नहीं बिकेगा अपने औलाद के खाते। ठीक है ना? आप आरोप लगाओगे। एक मिनट हरी सिंह जी रुको, साहब क्या कह रहे? देखो ऐसा कभी गलती मत करना, ये बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और लेकिन भरोसा, अपने को भरोसा भी रखना है और गारंटी भी चाहिए अपने को। समझे ना, आदमी 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 बिकते को टाइम नहीं लगता है। कोई पांच दो सीआर और दस सीआर की बात होती है ना, तो आदमी बिकते टाइम नहीं लगता। और वो अगर वो करेगा तो बढ़िया, जरूर कोशिश करेंगे इसको खरीदने की। तो बढ़िया तो कोशिश कब से कर ही रहे ना। हाँ नहीं, इसको भी हम खरीद से जब से इसने न्यूज़ दी है ना, सब उस दिन से कोशिश में लगे हुए हैं, या तो धमकी दे रहे हैं या फिर उनको पैसों की बात कर रहे हैं। वो न्यूज का दायरा है, जैसे अभी सुदर्शन का ये शो एपिसोड है, वैसी एपिसोड वो चलाएंगे तो वो काफी मतलब लार्ज स्केल में जाएगा, मैसेज उसका पूरे इंडिया लेवल में जाएगा, वर्ल्ड लेवल। तो वो यही तो कह रहा था, यही कह रहा है कि जैसे सुदर्शन ने चलाया वैसे ही मैं चलाऊंगा। और वो बैठकर बात कर लेंगे अपन, उनको बैठाएंगे ना, वो वैसे भी सितंबर में आने वाला है, तो उसको मेडल के सामने बैठा कर उसमें आप भी, आपको भी आना पाना पड़ेगा, मृत जी को भी आना पड़ेगा, और जो भी बड़े बड़े है उनको एक बार बुला करके अपन है जो रूबरू उनसे बात करके फिर करेंगे कि आप किस स्टेप में बात दोगे, कैसे दोगे, कितने दिनों तक दोगे, क्या लेवल से दोगे, वो तो अपन डिस्कशन करेंगे ना उस समय। ऐसे तो उनको पहले तो देने नहीं है, जब काम होता है जिस रीति से वो करता है तो फिर उस हिसाब से है जो अपन बॉन्डिंग करेंगे कि इतना काम होने पर अपन इतना देंगे। ये कौन सिंह जी, खोलो माइक, खोलो सर। हमें कोई कमी पेशी हो तो फरमाओ। एक तो ये जोगराज जी का माइक बंद कर दीजिए, राज सिंह जी आप ध्यान नहीं रखते क्या? दूसरा माइक बंद कर दो ना। सॉरी, ये कहना चाहता था। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे, आवाज आ रही है। उनको यहाँ बुलाएंगे, हमारी जो बात है होगी और जो हमारा प्रस्ताव रहेगा उसमें वो स्वीकार करेगा, तो हम बात करेंगे उनसे पैसों के लिए। ठीक है? नहीं, सही बात है। हमारा मंडल का सभी मिलकर जो प्रस्ताव रखेंगे हम उसके सामने, और जो प्रस्ताव वो मंजूर करेगा तो उनको पैसा हमारा होगा, उनका साथ होगा। सही है, हमारी जो मंडल की मांगे होगी उनके पहले साथ शर्त होगी हमारी। जी जी जी, सही बात है। उस शर्त के हिसाब से काम करना है, उनको यहाँ बुला देते हैं। सही है, ठीक है ठीक है। वो अभी बात होगी, उनके साथ के कानों में डाल दी है, फिर प्रैक्टिकली ले लेंगे मिलके। ले लो कैलाश भाई जी। अमीन न्यूज वाले की तो बात रखी, बात में हाल पांच दिन दस दिन आए, जब बात होगी जरूर होगी। हमारी मंडल की व्यवस्था और टीम बनानी, वो कल से शुरू क्यों नहीं करते हो? कितने टाइम से कर लग गया है? तो बस वो इसमें ही होगी व्यवस्था, और ये व्यवस्था वो अध्यक्ष होते हैं, हमारे बिना होते हैं। ठीक है ना? वो हमारी होनी चाहिए। ये तो जन्मिया तो 30 साल हुआ, पर मने भी जो मैं भी होता आज की बात कर रहा, साल की बात। अरे हमें मैंने मैं बाप कहता हो जाइए कि बात कितने अभी किया था
के अनुसार टीम बना के काम पैसा इकट्ठा करके जमा कराएंगे, तो वो अभी करेंगे। और बोलो कल संसार मरने के बाद? हाँ बाद में कल से क्यों नहीं करे मैं आज अब और फौरन आज जी हमें रात रात पटे लेवा जाइए। झुपड़ी बाद में घूमने की बात है, चार पाँच दस आदमी है तो निकल गए अभी, तो अभी तो क्या करेंगे अभी, तो बात करो उनसे, तो बात कर ली ना, उन्होंने नंबर भी दे दिया था ना, उन्होंने मना थोड़ी किया था अभी मेरे से मैं तुमको गलत नहीं बोल रहा था, ये बीच में पॉइंट डाल रहे काम कहाँ चल रहा था, काम कहाँ डाल देते प्रजापति भी जुड़े हुए थे आप लोगों की। मेरे सिंह जी रुको एक मिनट रुको, अभी अमृत भाई जुड़े हुए तो उनसे बात कर लेते हैं। डबल बात मत करो भाई मेरे। किस नाम से जुड़े हुए? ये शायद पहले आप मुकेश प्रजापत के नाम से जुड़ते थे हर बार, तो मुकेश प्रजापत के नाम से है ये कॉन्टेक्ट तो अंदर है। अमृत भाई अगर आप जुड़े हुए तो अपना माइक खोलिए, देवता खोलिए अपना माइक। जुड़े हुए नहीं है, अपनी चर्चा आगे लो। तो अभी तो यही पॉइंट है, अभी इस पर कल से है जो लिखित में प्रस्ताव करके फिर व्यवस्था के हिसाब से काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, दादी मास्टर जी माइक खोलना, मेरे से बात करनी है। कहना जी ये सुबह आप मैसेज डाल दो सब ग्रुपों में। जी जी पहले तो भट्ट सिंह जी क्या लिखित में एक काम करेंगे, लिखित में पहले बढ़ाएंगे और फिर आपके खाता नंबर दो ना, क्यों घबरा रहे हो? खाता नंबर? अरे खाता नंबर तो किसके, धूल सिंह जी के दे रहे हैं ना। अरे आपके खुद के दे दो। नहीं मेरे खुद के तो कैसे काम करेंगे सर, या तो फिर मिलकर डिसाइड करेंगे। नहीं करते, अरे देवता कर रहे हैं लेकिन कोई देखो, या तो ताराराम जी मान साहब के दे देंगे, बुजुर्ग है और उन हिसाब से काम होगा तो ठीक रहेगा। कल ये वैसे ही बात कर लेंगे फोन पर भले, और फिर उनको वो तो तैयार ही है काम करने के लिए, अपने को काम करना, अपने साहब लोग वो